फाइबर का डेली सेशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो विकासशील राष्ट्र किसको कहा गया है और दर्जा देने का मंजूरी दिया है कौन? अमेरिका का सीनेट पैनल। ठीक है, ऑप्शन है श्रीलंका, चाइना, यूएई और ब्रिटेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना को कहा गया है क्या विकासशील राष्ट्र का दर्जा मिला है कहाँ से? अमेरिका का सीनेट पैनल से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी है वो है बीजिंग, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है रेन मिन बी। रेन मिन बी मिन बी रेन मिन बी यहाँ की मुद्रा है, अभी हाल ही में चेंज हुई है। ठीक है, श्रीलंका का देख लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। इसकी दो राजधानी है, एक है, एक और है। दूसरी राजधानी क्या है? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। दूसरा राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने पूरा कुट्टी। श्री जयवर्धने वर्धने पूरा कुट्टी। ठीक है, ये इसका दूसरा राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर मुद्रा कौन सा चलता है? तो यहाँ पर मुद्रा रुपया चलता है, श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूएई। यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम। क्या है? दिरहम। और है ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ये तो सभी को पता है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ठीक है, और जो ब्रिटेन है ये कौन से नदी के किनारे पर है? तो थेम्स नदी के किनारे है। थेम्स नदी के किनारे है, ठीक है, बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा मुद्रा चलता है? तो पाउंड स्टर्लिन यहाँ पर मुद्रा चलता है। पाउंड स्टर्लिन यहाँ की मुद्रा है, स्टर्लिन यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? ऑप्शन है आयुष्मान खन्ना, दिनेश नायक, सुबोध कुमार सिंह या फिर जयंत चौधरी। इसका राइट आंसर होगा सुबोध कुमार सिंह। क्या राइट आंसर होगा? सुबोध कुमार सिंह। ठीक है, और ये इसका जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, इसका गठन कब हुआ है? एजेंसी इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है, वो हुआ है अभी हाल ही में, 2017 में। 2017 में हुआ है इसका गठन, 2017 में, नवंबर 2017 में इसका गठन हुआ है, नवंबर 2017 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में सबसे प्रमुख टेस्टिंग संगठन है, ठीक है, यही कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अलग अलग शिक्षण संस्थानों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कराता है। तो ये क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये एग्जाम सबका कंडक्ट कराता है, प्रतियोगी एग्जाम का कंडक्ट, कंपटीशन एग्जाम का है, सो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन, क्या ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? ऑप्शन है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन या बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? पहले गोरखपुर था, ठीक है, लेकिन अब चेंज हो गया, अब कौन सा बना है? कर्नाटक का हुबली। क्या? कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये सबसे लंबा है, कितना है? 1507 मीटर। 1507 मीटर, ठीक है, ये भारत के साथ साथ दुनिया विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ चली? तो एक पहला ट्रेन जो था वो 16 अप्रैल 1953 में चला, 1953 में चला है, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, करीब करीब 34 किलोमीटर पहला ट्रेन है सो चला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू की गई? सीएनजी से चलने वाला टॉय ट्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में, त्रिपुरा में, राजस्थान में या फिर तेलंगाना में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में ऐसा टॉय ट्रेन चालू किया गया, कौन सा? सीएनजी से चलने वाला। ठीक है, कुछ देख लेते हैं। तो राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है। एक है सरिस्का, सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? तो ये भी है सो राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के बारे में और कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या, राजस्थान में क्या मनाया जाता है? गणगौर उत्सव मनाया जाता है, गणगौर उत्सव, गणगौर उत्सव। एक उत्सव और यहाँ पर फेमस है, मोमासर उत्सव, मोमासर उत्सव, मोमासर उत्सव भी यहाँ पर फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कृषि त्योहार
राजा मनाया गया? कौन सा राज्य में कृषि त्योहार राजा मनाया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि उड़ीसा जो है यहाँ पर और कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो उड़ीसा में एक मनाया जाता है मिट्टी कला महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में महोत्सव। ठीक है, एक और उड़ीसा में मनाया जाता है वो है बाली यात्रा। क्या? बाली यात्रा महोत्सव, बाली यात्रा महोत्सव, बाली यात्रा महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, दिमाग में मेरे नहीं आ रहा है। हाँ, नुआखाई, नुआखाई महोत्सव, नुआखाई, नुआखाई महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कुछ देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो है वो अभी अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है, चलिए उसका बताया जाएगा बाद में। उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है एक कुंभ महोत्सव। क्या? कुंभ महोत्सव, उत्तर प्रदेश में मनाते हैं कुंभ महोत्सव। ठीक है, और कजली भी यही मनाते हैं, कजली महोत्सव, कजली। ठीक है, यही मनाते हैं। एक है मरु महोत्सव, मरु महोत्सव यहीं पर मनाते हैं उत्तर प्रदेश में, मरु महोत्सव। असम में क्या है? तो असम में बिहू पर्व मनाते हैं यहाँ पर। क्या? बिहू पर्व मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुलिस बल ने ऑपरेशन अमानत लॉन्च किया है? ऑप्शन है आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ या सीबीआई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरपीएफ। आरपीएफ जो है ऑपरेशन अमानत लॉन्च किया है, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो आरपीएफ का गठन हुआ था 1957 में। ठीक है, सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1949 में इसका गठन हुआ था। हालांकि इससे पहले भी 1939 में, इससे पहले भी 1939 में, 1939 में इसका गठन किया गया था क्राउन शासन के तहत, क्राउन, क्राउन शासन द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, क्राउन शासन द्वारा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यही देता है 28 दिसंबर 1949। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1963 को, 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ या कहाँ पर है? ठीक है, ऑप्शन है श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, फिलीपींस या फिर ब्रिटेन। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, फिलीपींस में है सो माउंट मेयोन ज्वालामुखी है सो विस्फोट हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा है? मौना लोआ ज्वालाद्वीप। कौन सा? मौना लोआ, मौना लोआ ज्वालाद्वीप है सो दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, शायद हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में। ठीक है, और देख लेते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत में जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पर है, बैरन द्वीप पर है, बैरन द्वीप पर है, बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, और ये कुल मिलाकर कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? बेंगलोर में, अहमदाबाद में, महाबलीपुरम में या चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन है आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना किस राज्य में जारी की गई? तो मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना है तो कौन से राज्य में चालू किया गया? ऑप्शन नागालैंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़िया, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सो ये लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं और कौन कौन सा परियोजना है। तो कोल बांध परियोजना ये कौन सी नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। कोल बांध परियोजना सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश। कांगशावती परियोजना कहाँ है? कांगशावती नदी पर, पश्चिम बंगाल में, कांगशावती नदी पश्चिम बंगाल में। परम्बिकुलम अलियार परियोजना कहाँ है? तो ये है 8 छोटी नदियों पर, तमिलनाडु और केरल में। कहाँ पर? तमिलनाडु और केरल। नर्मदा घाटी परियोजना कहाँ है? नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। और गुजरात का जीवन रेखा, इसको कहते हैं नर्मदा घाटी परियोजना को भी कहते हैं। किसने जिनेवा में 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित किया? ऑप्शन है प्रफुल्ल चंद्र पंत, जया प्रकाश, भूपेंद्र यादव या गगन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। इसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है सो इसका ये कब हुआ? तो गठन कब हुआ? तो अक्टूबर 1919 में हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को मनाते हैं। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। चलिए उससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ
ठीक है, इसका क्या नाम है, यूएन या यूनो मुख्य नाम है, ठीक है, उपनाम है। तो इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, 27 दिसंबर 1945 को। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब हुई, तो वो हुई 1 जनवरी 1995 को। इसी के साथ दोस्तों आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।